Hey, what is up, Kill family? सभी का भाई दिल से स्वागत है इस पियर गिल फैक्ट्स में। अपना हेलमेट पहन लो और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज अपन चलने वाले हैं धरती से करीबन 580 मिलियन किलोमीटर दूर। सो चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक मजेदार स्पेसक्राफ्ट में बैठे हो और सौर मंडल के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर को ऑर्बिट कर रहे हो, और ऑर्बिट करते समय आपने देखा कि आगे से कुछ एस्टेरॉयड जैसा आपकी तरफ आ रहा है, और फिर आपने चश्मा लगाया और ध्यान से देखा, अरे ये तो अपना भाई आयो है, जुपिटर प्लैनेट का तीसरा सबसे बड़ा मून। हालांकि जुपिटर को अभी 79 मून्स है। आयो को सबसे पहले 8 जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। और क्या आप लोगों को पता है कि आयो के ऊपर माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़े माउंटेन्स है और लावा की नदियां है। और धरती के इतिहास को जानने के लिए भाई हमारे आयो ने बहुत ज्यादा मदद की है। एंड गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि आयो का डायमीटर है 3643 किलोमीटर, और ये सोलर सिस्टम का फोर्थ सबसे बड़ा मून है। ये धरती के मून से करीबन 5% ज्यादा है और हमारे धरती के मुकाबले सिर्फ 28% ही है। 1979 में वॉयजर 1 और वॉयजर 2 इसके पास से गुजरे थे। 1990 से लेकर 2000 तक गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, इसकी स्टडी की थी। साल 2000 में कैसिनी ने, साल 2007 में न्यू होराइजन ने, और 2017 से लेकर अभी तक जूनो स्पेसक्राफ्ट आयो को स्टडी करके इंफॉर्मेशन धरती पर भेज रहा है। और आप लोगों को मैंने हमेशा हर एक वीडियो में बताया है कि हबल टेलीस्कोप किसी को छोड़ता नहीं है, वो भी अभी लगातार आयो की स्टडी कर रहा है। अब गाइस, देखते हैं कि आयो नाम का मतलब क्या होता है और आयो नाम क्यों रखा गया है। गैलीलियो गैलीली ने इसको सबसे पहले जुपिटर 1 करके नाम दिया था, फिर मैरियस ने नाम चेंज करके मर्क्यूरी ऑफ जुपिटर और द फर्स्ट ऑफ द जूवियन प्लैनेट ऐसा नाम दिया था। फिर पता नहीं भाई साइमन भाई को क्या दौरा पड़ा, साइमन मैरियस ने नाम चेंज करके इसका नाम आयो कर दिया। ग्रीक माइथोलॉजी में आयो आर्गस नाम के जगह की प्रिंसेस थी, और गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर के जाने वाले जियस उसकी एक प्रेमिका थी। इसका श्रेय गैलीलियो गैलीली को मिला, पर रियल में नाम रखा था साइमन मैरियस ने। एंड गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि आयो जुपिटर के बहुत ज्यादा करीब है, और आपको आयो पर वाटर आइस देखने को नहीं मिलेगी। सोलर सिस्टम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे कम पानी आयो पर मौजूद है। ऐसा पहले माना जाता था कि आयो पर भी कभी पानी था, पर ये जुपिटर के इतने ज्यादा क्लोज है कि जुपिटर के रेडिएशन के वजह से इसका पूरा का पूरा पानी गायब हो चुका है। एंड गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव आयो है। आयो के सरफेस के नीचे धरती से करीबन 100 गुना ज्यादा लावा मौजूद है। जब इसका कोई वॉल्केनो इरप्शन करता है तो इसका असर हम आयो के सरफेस के 500 किलोमीटर ऊपर तक देख सकते हैं। हम धरती से इस इरप्शन को आराम से टेलीस्कोप द्वारा भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयो के सरफेस के ऊपर 400 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है। और आयो बिल्कुल विचित्र है, जब इसका वोल्केनो इरप्ट होता है तब टेम्परेचर होता है 1650 डिग्री सेल्सियस, भाई बहुत ज्यादा है। और रात के समय में इसका टेम्परेचर होता है -130 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज्यादा गिर जाता है। सोलर सिस्टम के कोई मून से कंपेयर किया जाए तो आयो का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन रेट भाई बहुत ज्यादा है, मतलब ये कुछ अपना अलग ही गेम खेल रहा है। और अगर आपको कभी आयो पर जाने की इच्छा हुई तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आयो की स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह आती है। क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में यूरेनस की तरह हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये सारे गैसेस वोल्केनो इरप्शन के दौरान पैदा होती है। इसलिए मत जाओ भाई, सड़े हुए अंडे की बात आती है शी। पर भाई लोग, आयो को कम मत समझना, क्योंकि आयो के ऊपर एटमॉस्फेयर तो भी है, जिसके कारण डेंस क्लाउड्स और बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है। और बाकी जुपिटर के मून्स पर तो ये भी नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? प्रॉब्लम एक ही है कि इसका पेट हमेशा खराब रहता है, जिसके कारण ये हमेशा हजारों टन के ऊपर हर सेकेंड लावा निकालते रहता है। तो भाई लोग, इसको जरा दूर ही रहने दो,
तुम लोग धरती पर रहो, फालतू आयो पर मत जाओ, तुमको धरती से क्या प्रॉब्लम है, इस गोले पे सब कुछ तो मिल रहा है तुमको। हाँ सो गाइज, आई होप आज का वीडियो देखने में आप सभी लोगों को मजा आया होगा। तो लीव अ लाइक, शेयर करो, कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो विद द नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलता हूँ ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म पे अपना पीआर किल का कंटेंट अवेलेबल है, तो जाके फॉलो करो और जितना हो सके उतना एजुकेशन नॉलेज जो भी है जितना हो सके उतना गेन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड एवरीबॉडी गुड बाय।